हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीआरके फैमिली व्लॉग। तो चलिए, है आज है 4 अगस्त और सुबह के बजने वाले हैं 6:15। हम रेडी हो गए, मतलब मैं और दिव्या, हम जा रहे हैं 1 डे पिकनिक के लिए बाहर। और वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो किटी पार्टी ग्रुप है, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं 1 डे पिकनिक के लिए। कहाँ पे जा रहे हैं तो आप लोग देखते रहिए। तो चलिए, अभी जा रहे हैं, वो लोग सब खड़े हैं बाहर, तो मैं अभी अभी चलती हूँ। और कौन कौन आया है तो सबसे मिलवा दी वापस। देखिए 8 बज गए हैं और हम आ गए हैं विराज स्टेशन। देखिए सब लोग, हम लोग विराज स्टेशन आ गए हैं और जा रहे हैं रिसोर्ट में। विराज रेस्ट में है और अभी जा रहे हैं रिसोर्ट में। रिसोर्ट तो नहीं, ऐसे छोटे रिसोर्ट ना थी ना, अभी जा रहे हैं रिसोर्ट, होटल और रिसोर्ट है। तो चलिए, कौन सी रिसोर्ट में जा रहे हैं तो आप लोग देखिए वीडियो, आज का वीडियो फुल देखना, क्योंकि आज हमारी किटी पार्टी या फ्रेंडशिप डे सब हम यहाँ पर मनाने वाले हैं। तो देखिए, पीछे सब आ रहे हैं बातें करते करते और आगे भी सब चल रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोग ने ये वाली रिक्शा कर ली है, मतलब 15 जन बैठ सकते हैं ये वाली रिक्शा में। यहाँ भी सीटिंग है, आगे भी सीटिंग है। तो देखिए, सब भावताल चल रहा है रिक्शा का। तो यहाँ से हमें जहाँ पे रिसोर्ट में जाना है ना, तो कुछ 700 है यहाँ से जाना, और रिटर्न भी 700। तो इसको सब भावताल चल रहा है। तो चलिए, नक्की होता है चलो, नक्की हो गया है रिक्शा हमारी, तभी चलते हैं। देखिए सब लोग चल रहे हैं अंदर, अभी किसको कहाँ पे बैठना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। चलो जल्दी अंदर चलो। देखिए एक जन सब जा रहे हैं अंदर। एक है रिक्शा, बड़ी है रिक्शा फ्रेंड्स, 15 जन आराम से बैठ सकते हैं। देखिए ये वाली रिक्शा में हम बैठने वाले हैं, 15 जन बैठ जाएंगे अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रिक्शा में सब घुस गए हैं अंदर और ऐसे दबा दबा के बैठ गए। एक ही रिक्शा में सब लोग बैठे हैं और 2 जन आगे बैठे हैं। देखिए दो रिक्शा के पैसे एक ही रिक्शा में हम लोग बैठ गए इसलिए। तो चलिए अभी चलते हैं रिसोर्ट के। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं अभी और यहाँ पे देखिए नारियल का जा रहे हो, कितनी अच्छी मस्त वाड़ी है, केले का, नारियल का सब जार है। और यहाँ पे भी बड़े बड़े सब बंगले हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी मांगरोर में आ गए हैं, गांव में आ गए। और एक गांव जैसे ही रिक्शा है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नज़ारा है और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं 5 मिनट में। यहाँ पे आते हैं रिक्शा में, विराज स्टेशन से आते हैं ना फ्रेंड्स, तो 20 मिनट का रास्ता है अंदर आने के लिए। और कौन से रिसोर्ट में जाने वाले हैं वो बस 5 मिनट में आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग देखिए रिक्शा में से उतर गए हैं और सब यहाँ पे खड़े हैं। और कहाँ पे आए हैं बस आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, मतलब पूरा ऐसे जंगल इलाका ही है और जार और वही सब है। देखिए चलिए अभी अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग ये छोटी गली पार करके अंदर आना है, 5 मिनट का रास्ता है। और देखिए अभी हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए ट्री हाउस बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ पे सीढ़ी है और ऊपर है ट्री हाउस, बहुत ही छोटा सा एक घर बनाया है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और कहाँ पे आए हैं वो आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ पे आए। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं मामाची वाड़ी में, देखिए, और यहाँ पे हम सब खड़े हैं।
देखिए। और अभी जा रहे हैं अंदर वाड़ी के अंदर। चलो आज हम फ्रेंडशिप डे यहाँ पे मनाने वाले हैं मामा जी वाड़ी में। फुलवती ये है हमारे किटी पार्टी ग्रुप और साथ में हमारे बच्चे भी आ रहे हैं किटी पार्टी ग्रुप में। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं मामा जी वाड़ी में और सबसे पहले जाने वाले हैं भोजन कक्ष में। मतलब पहले तो खाना खाने जाने, नाश्ता करने के लिए, खाना नहीं अभी तो नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमने टिकट ले ली है। यहाँ पे आना है ना फ्रेंड्स तो एक जन का 1000 रुपीज़ है और बच्चे लोग का 10 वर्ष के अंदर के बच्चे हैं ना उसका 450 प्राइस है और बड़े लोग का 1000 रुपीज़ है। तो चलिए अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सब गेम वगैरह देखे, यहाँ पे बच्चे लोग को गेम वगैरह करना है, रस्सी वाला, रोड वाला, सब अलग अलग है देखे। और यहाँ पे देखे फोटोशूट चालू है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं क्या क्या है यहाँ पे, तो आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे झूला भी मुझे दिख गया है तो झूला भी दिखा देती हूँ आपको मैं। और यहाँ पे देखिए फोटोशूट के लिए फ़ोटो निकाल रहे हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे झूला आ गया है, ये है एक झूला, आराम से सो के वीडियो फोटो और आराम से सो भी सकते हैं। तो जा जिग्नेशा जा रही झूला पे सोने के लिए, अभी सोना नहीं है अभी चलना है नाश्ता करने के लिए, गीला है तो जाने दो। और वहाँ पे देखिए वो लोग जा रहे हैं अंदर क्योंकि वो लोग को जोरों से भूख लगी है क्योंकि पहले कैंटीन में जाएंगे कुछ नाश्ता करेंगे। उसके बाद क्या क्या है यहाँ पे रिसोर्ट में, मतलब रिसोर्ट नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे रूम वगैरह, रिसोर्ट एकदम रिसोर्ट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत स्विमिंग पूल और क्या बोलते हैं सब कम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चे लोग झूले में बैठ गए हैं और झूला झूल रहे हैं। और जिग्नेशा देखिए वहाँ पे जिग्नेशा जा रही है बैठने के लिए, पर बहुत ही छोटा है जिग्नेशा, आप नहीं बैठ पाओगे। देखिए बचपन याद कर रही है जिग्नेशा। और बच्चे लोग देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं फ्रेंड्स और अंदर कैंटीन है वहाँ पे। अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, नाश्ता में क्या क्या है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और आधे जन गए हैं वॉशरूम में और कपड़े चेंज करने के लिए क्योंकि छोटा सा स्विमिंग पूल है यहाँ पे। ये रिसोर्ट मतलब फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि ये रिसोर्ट है पर एकदम स्विमिंग पूल एक ही है, बहुत नहीं है। और यहाँ पे ऐसे जार पत्ते और वो सब बहुत है और छोटे छोटे रूम्स पन है यहाँ पे। अगर आप लोग को रूम लेना है वन डे के लिए आए हो और रूम लेना है तो एक रूम का 2000 है फ्रेंड्स। और हमने रूम नहीं लिया है, हमने कैबिन लिया है तो कैबिन का 100 रुपीज़ है। तो हमने 2 कैबिन लिया है क्योंकि हमारी सब बैग्स छोटी है तो बैग रख देंगे। तो चलिए क्या, हाँ और ये देखिए यहाँ पे भी एक ट्री हाउस है, देखिए छोटा सा ट्री हाउस है ऊपर और उसमें AC भी लगाया है ट्री हाउस में। तो ये रूम का फ्रेंड्स कपल के लिए हमने पूछा कि कपल के लिए 6000 है वन नाइट के लिए, 6 से लेके 8000 तक है नाइट रुकना है। तो चलिए अभी भूख लगी है, नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। नाश्ते में क्या क्या है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग कैंटीन में आ गए हैं और देखिए यहाँ पे कैंटीन में ब्रेकफास्ट के लिए लाइन भी लग गई है और यहाँ पे सब खा भी रहे हैं और मेरी प्लेट हो गई है रेडी। देखिए नाश्ते में है मेंदू वड़ा, इडली, पोहा, सांभर, चटनी, भुर्जी पाव, अंडा भुर्जी पाव और साथ में है कांडा। तो चलिए अंडा भुर्जी एक नंबर है दिव्या, बहुत ही अच्छा है। तो दिव्या बोल रहा है कि अंडा भुर्जी एक नंबर है। तो चलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं वापस यहाँ पे घूमने के लिए। पहले पेट पूजा फिर दूसरा कुछ घूमने जाएंगे।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोपहर का लंच चालू है। कॉर्न और पोटैटो चिप्स है, साथ में चिकन है, पनीर मसाला, चना मसाला, रोटी, भाकरी, दाल राइस। और देखिए यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि स्विमिंग करके हम लोग सब थक गए हैं। स्विमिंग करके थक गए हैं, अभी भूख लगी है जोरों से, तो देखिए यहाँ पे सब खाने बैठ गए हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चा पार्टी, देखिए आइसक्रीम खा रहे हैं। और हमारा लंच हो गया, लंच होने के बाद आइसक्रीम, इतना अच्छा फूड नहीं था, फूड इतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, हमें अच्छा नहीं लगा, पर आइसक्रीम अच्छी है। और यहाँ पे घूमना वगैरह अच्छा है और स्विमिंग पूल भी अच्छा है। आप लोग को अच्छा लगा बच्चा पार्टी को? ओके ओके, सबको ओके ओके लगा, स्विमिंग पूल है इसलिए हमें अच्छा लगा, बाकी यहाँ पे खाना पीना ब्रेकफास्ट अच्छा था, सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा था, पर लंच में मज़ा नहीं आया। और लंच के बाद एक एक सिंगल सिंगल आइसक्रीम, अनलिमिटेड नहीं है, लंच अनलिमिटेड है और आइसक्रीम सिंगल ही है। तो अभी 5 बजे हम लोग इधर है, अभी तक 5 बजे नाश्ता करेंगे, 4 नाश्ता फिर निकल जाएंगे, वापस जाएंगे पूल के अंदर, स्विमिंग पूल में, तो वापस जाएंगे तो आपको लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पे क्या है, म्यूज़िक है फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा हम स्विमिंग पूल का वीडियो नहीं ले सकते, थोड़ा थोड़ा ही वीडियो लिया है। देखिए यहाँ पे झूले वगैरह है, तो यहाँ पे देखिए झूले कैसे झूल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी स्विमिंग पूल बंद कर दिया है सब, तो ये बच्चा पार्टी देखिए बोल रहे हैं खोलो गेट, खोलो गेट पे लगा दिया है ताला, बस तो देखिए गेट पे लगा दिया है ताला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे और बड़े लोग के लिए एक्टिविटी गेम्स है, तो देखिए यहाँ पे हमारा हमारे बच्चे पार्टी देखिए जा रहे हैं खेलने के लिए, और कितना बड़ा बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब लोग झूले पे बैठ रहे हैं, निशा भी अभी बैठे हैं झूले पे, क्योंकि आधा घंटा है अभी तक स्विमिंग पूल चालू होने में, इसलिए आधा घंटे तक यहाँ पे स्विमिंग बंद है, इसलिए सब लोग झूले में बैठ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सब, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या था कि 2000 का रूम लेना था, 2000 में रूम देते हैं आराम करने के लिए, आधा घंटा एक घंटा आप लोग को आराम करना है, तो 2000 का रूम है, तो हम लोग ने 2000 का रूम नहीं लिया, हमने बोला कि हम लोग ऐसे ही घूमेंगे, तो फिर हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। देखिए निशा भी बैठी है झूले पे, यहाँ पे दिव्या भी झूला झूल रहा है, कैसा लग रहा है दिव्या? अच्छा, आधा घंटा है, सो जाओ यहाँ पे, आराम से सो जाओ। देखिए बच्चा, बच्चे लोग, बड़े लोग सब यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे देखिए झूला पास हो गया है, तो जिग्नेशा देखिए रोने लग गई, जिग्नेशा उसको डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स बच गए 3, और देखे यहाँ पे स्विमिंग पूल में वापस आ गए हैं, और वहाँ पे देखे इतना ही छोटा सा ही है स्विमिंग पूल और छोटी सी राइड्स है, तो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये वाले स्विमिंग पूल में बहुत अच्छा लग रहा है, राइड्स में कोई जाना ही नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ही मजा आ रहा है, तो थोड़ी देर में हम लोग भी अंदर जाएंगे पानी में।
फ्रेंड्स, बज गए शाम के 5 और हम लोग हो गए हैं रेडी। अभी यहाँ से जा रहे हैं, लास्ट हमारा यहाँ पे चा नाश्ता बाकी है, तो अभी चा नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद रिक्शा वाले को कॉल कर दिया है वापस, वो हमें लेने के लिए आज आएंगे अभी। तो चलिए, तब तक रिक्शा आती है तब तक हम लोग चा नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चा और पार्ले बिस्किट आ गई है और यहाँ पे देखिए नाश्ता करना चालू भी हो गया है। मोक्ष, तारे नाश्ता ना थी करवो मोक्ष, हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चा और बिस्किट खा लेते हैं, फिर रिक्शा आएगी 5 मिनट में बाहर ही और जाएंगे वापस घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, रिक्शा आ गई है और मामाची वाड़ी में टाटा बाय बाय करते हम सब लोग निकल पड़े हैं। देखें, सब रेडी हो गए हैं, अभी रिक्शा आ गई है बाहर, तो वहाँ पे चलते हैं, वापस चलते हैं विरार स्टेशन। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जाने के लिए चर्च गेट, अभी वापस यही ट्रेन में बैठे हैं हम लोग, जाएंगे वापस मरीन लाइन से, यही से कि हमारी ट्रेन में चलने लगी है। तो देखिए, अभी आ गए रिसोर्ट में से, सब थक गए, किसी को अभी बोलने की ताकत ही नहीं है ना। तो फ्रेंडशिप डे हमारा कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलिए, आज एकदम थक गए ना। आज तो हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जय माता दी।